गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। अभी हम वृंदावन में हैं और बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं आज। तो देखिए यहाँ पे रोड पे सब परिक्रमा मॉर्निंग से चालू हो जाती है। ये देखो ये परिक्रमा मार्ग है तो सब परिक्रमा भी कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देखो इधर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के, क्योंकि जो बांके बिहारी जो है यहाँ पे फेमस है। हमारे दीदी इधर तो चलते हैं जूस सेंटर पे। देखो कितनी भीड़ है इधर। ये है परिक्रमा मार्ग और काफ़ी धूप भी है इसीलिए हमने स्कार्फ बांधा है। तो चलिए चलते हैं जूस सेंटर पे। जूस सेंटर पे अभी जूस पीने की बात नहीं है। अभी पीने से एकदम कहाँ दे, अभी भी अभी नहीं जाएगा, आने के बाद बहुत लेट हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है क्योंकि वृंदावन धाम है। धाम की वजह से इधर हमेशा, एक तो कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने की वजह से इधर दूर दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हैं, आश्रम में रुके हुए हैं और हर समय इधर भीड़ रहती है। तो आप देखिए ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग पे देखो लोगों का तांता कैसा लगा हुआ है। देखिए वृंदावन का नज़ारा देखिए, यहाँ पे हर जगह जगह हम कैसे नागपुर में एक्सक्यूज़ नहीं बोलते हैं। कोई अगर अपने सामने आ गया तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सामने आ जाता है तो क्या बोलते हैं, राधे राधे। यहाँ पे वृंदावन में आप आओगे तो आपको इधर हर जगह सब राधे 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 राधे, तो है इधर राधे राधे राधे। हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और आपको भी, जहाँ तक हमारा मोबाइल जाएगा क्योंकि अंदर में, क्योंकि बिहारी जी के अंदर में मोबाइल लेके जाने की अनुमति नहीं है। तो हमारा मोबाइल जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। तो चलो हमारा जूस रेडी हो गया है, जूस रेडी हो गया। काफ़ी धूप है दोस्तों। क्या आपका दर्शन नहीं हो पाएंगे आज, भीड़ हो जाएगी। और एक तो या आज आंवला नवमी है, आंवला नवमी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या, अरे इसका कनेक्शन ले गए। आंवला नवमी की वजह से आज काफ़ी भीड़ है दोस्तों। कल गोप अष्टमी थी और आज आंवला नवमी है। क्या हुआ, बन गया? चलते हैं